नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्लेन मैकेनिज्म। तो हम एक प्लेन मैकेनिज्म के लिए नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। तो जो नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये होती क्या है, ये हम जानेंगे। देखिए, कभी भी कोई डिज़ाइन होता है या कोई एनालिसिस हमें करना होता है किसी भी तरह के मैकेनिज्म का, जैसे यहाँ 4-बार चैन है या 5-बार चैन है, तो इसका अगर हमें एनालिसिस करना है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, या कहें कि इस मैकेनिज्म के डिज़ाइन को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इस चीज़ को, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इसको हम मूवेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि मूव करने की क्षमता। तो अब देखते हैं, जो इसके अंदर जो हमने 4-बार चैन मैकेनिज्म बनाया है और जो 5-बार चैन मैकेनिज्म बनाया है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, 4-बार चैन मैकेनिज्म के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर आप इनपुट दें इस लिंक को, AD को आप इनपुट दें, तो इनपुट वेरिएबल जो होगा यहाँ पे चेंज हो सकता है कुछ भी आप, लेकिन जैसे ही आप इनपुट यहाँ पे देंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा, DC लिंक या BC लिंक जो है मूव करेगा। AB लिंक यहाँ पे फिक्स रहेगा, एक लिंक हम फिक्स रखते हैं। तो जब हम इस लिंक को मूव करेंगे, इस तरह से मूव करें या आप इस तरह से मूव करें, किसी भी तरह से मूव करें, तो CD और जो BC है वो सारे जो, यानी कि जो इसके लिंक है, वो मूव करेंगे। तो आपने इसको एक ही लिंक को मूव किया तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 रहेगी। इसी तरह से अगर हम 5-बार चैन मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी जो मूव है इसको भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसको टोटली डिफाइन करना चाहते हैं इसके मोशन को, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे θ1 और θ2 दो चीज़ें चाहिए। यहाँ पे क्या था, एक लिंक को मूव किया तो हम पूरा जो रिलेटिव मोशन है वो हम यहाँ निकाल सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। लेकिन अगर हम 5-बार चैन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से भी मोशन देना पड़ेगा, यहाँ से भी मोशन देना पड़ेगा, और या कहें कि हम दोनों के जो मोशन है ये हमें चाहिए, दो चीजें चाहिए जिससे हम इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकें। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, यहां पे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, यानी कि ये और ये, आपने 2 वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी यहाँ पे 2 रहेगी, यानी कि यहाँ पे 1 ही था और यहाँ पे 2 आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए इसके मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आप पहचान सकते हैं कि जो आप रिलेटिव पोजीशन है आल लिंक्स की जिनके थ्रू आप निकाल सकें। तो इसके लिए ये ज़रूरत होती है कि कितने वेरिएबल हैं और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ताकि आप मोशन को पहचान सकें कि वो किस डायरेक्शन में या किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकें। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है। तो देखिए, आप ये समझ गए होंगे 4-बार चैन के अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे, तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने ये फिगर बनाई है। देखिए, यहाँ पे एक हमने AB लिंक लिया है जिसको हमने फिक्स कर दिया, तो AB लिंक को आप फिक्स कर दीजिए। अब जो ये CD लिंक है, अब मान लीजिए अटैच नहीं है, AB से ये जो CD लिंक है अटैच नहीं है। अब कोई भी पॉइंट P ले लीजिए कि इसकी जो पोजीशन है, अगर आपके इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है तो आपको कितने पैरामीटर चाहिए। तो आपको एक तो ये पैरामीटर चाहिए कि X कितना है, Y कितना है, और एक चाहिए जो एंगल थीटा कितना होगा। ये कनेक्ट नहीं है, ऐसे ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे कितने की ज़रूरत पड़ी, 3 जो है पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी मूवेबिलिटी है 3 पैरामीटर से आपने डिफाइन की, तो इसकी मूवेबिलिटी जो है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 होगी। अब देखिए, आप क्या करें, इसको CD लिंक को कनेक्ट कर दें। यहाँ पे जो ये फिगर है, फिगर 2 के अंदर हमने इस CD लिंक को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ थीटा की ज़रूरत पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी, सिर्फ इसका एक ही पैरामीटर आपको देना पड़ा, यानी कि 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि आपको कितने पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लिंक के मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो वही चीज़, यहाँ पे 1 पैरामीटर की ज़रूरत थी, यहाँ पे 2 पैरामीटर की ज़रूरत थी इनके लिंक को, जो मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे अगर ये कनेक्ट नहीं होता एक लिंक दूसरे के साथ, आपको लगभग 3 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, यानी कि 3 पैरामीटर चाहिए। इसी तरह आप कनेक्ट कर दें तो आपको क्या चाहिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए इसको, इसके रिलेटिव मोशन को डिफाइन करने के लिए। अब देखिए, जब ये कनेक्ट नहीं था तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी,
जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, यानी कि जो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब एक लिंक को आप दूसरे लिंक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ तीन थी, यहाँ एक रह गई, यानी कि दो ख़त्म कर दिया आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम इन फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये चार फोर बार मैकेनिज्म चेन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जैसे कि यहाँ थी एक पैरामीटर चाहिए आपको इसको रिलेटिव मोशन को या इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक होगी। इसकी बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक दो तीन तीनों लिंक जो हैं वो कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक लिंक कनेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे देखिए एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट नहीं था, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती हैं, तीन हो जाती हैं अगर लिंक कनेक्ट नहीं होता लिंक से। अब यहाँ पे दो लिंक कनेक्ट नहीं है, यानी कि ये इस तरफ भी कनेक्ट नहीं है, इस तरफ भी कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कितनी बढ़ जाएंगी, पाँच हो जाएंगी। यानी कि एक थी जब ये पूरा जुड़ा हुआ था, एक लिंक आपने तोड़ दिया तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन हो गई, एक लिंक और तोड़ दिया इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पाँच हो गई, यानी कि दो दो बढ़ रही हैं। आपने ये भी लिंक तोड़ दिया, ये तो टूटा ही हुआ था, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, सात हो गई। आपने ये तीनों ही अलग अलग कर दिए, एन इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, नाइन। देखिए तीन इसकी, तीन इसकी, तीन इसकी, एक लिंक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जब वो अटैच नहीं होता, तीन, तो एक की तीन हो गई, दूसरे की तीन, तीसरे की तीन, यानी कि तीन तीन नौ हो गई। इसी तरह से एक लिंक आपने छोड़ दिया, अब रिवर्स चलते हैं, छोड़ दिया तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ये दोनों रह गए, तो इसकी तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, एक, इसकी तीन हो गई, इसकी तीन हो गई, तो टोटल कितनी होगी, तीन तीन छः और एक सात, तो यहाँ पे दिखा दी हमने सात। यहाँ पे इसकी कितनी थी, तीन थी, इसकी भी तीन थी, इसकी भी तीन थी, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं था, तो जब नहीं कनेक्ट होता तो कितनी होती है एक लिंक की, तीन, तो तीनों की हो गई नौ। यहाँ एक कनेक्ट कर दिया उसकी तो एक रह गई, जब कनेक्ट कर देते हैं तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो एक कनेक्ट कर दिया तो एक रह गई, इसकी तीन रह गई, इसकी तीन रह गई, तीन तीन छः और एक सात। अब हमने क्या किया, दो कनेक्ट कर दिए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक रह गई, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक रह गई, ये दो हो गई, और इसकी कितनी रह गई, तीन, तो तीन चार पाँच, इसकी पाँच हो गई। इसी तरह से यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अब देखिए इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी एक हो गई, इसकी दो हो गई, और इसी तरह से एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी हो गई, तो इस तरह से ये कितनी हो गई, तीन, अब ये भी तीन हो गई। अब आपने ये सारे कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रह जाएगी, वन, यानी कि वन आपको इनपुट देनी है, सारे लिंक जो है मूव करेंगे। तो इस तरह से जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप क्या है डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक के जो अलग अलग आप निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये तो आपने निकाल लिया कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपको इनपुट पैरामीटर देखने हैं, जब कनेक्ट नहीं होगा या जब कनेक्ट होगा तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो सकती हैं। अब आप इस तरह से इसका एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो हमने चार ली, पाँच ली, इस तरह के लिंक लिए, इसके अंदर चार लिंक थे, इसके अंदर पाँच लिंक थे, देखिए चार लिंक थे, इसके अंदर आप देख लीजिए एक दो तीन चार लिंक थे, इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच लिंक थे। तो इसी तरह से आप मान लीजिए कि एल लिंक है, कोई भी आपने इस तरह की काइनेमेटिक चेन बनी है या कोई भी चेन बन रही है या कोई भी मैकेनिज्म बन रहा है, उसके जो नंबर ऑफ लिंक हैं एल हैं, तो एक लिंक हम फिक्स कर देते हैं, जैसे इसके अंदर फिक्स किया है, तो जो नंबर ऑफ लिंक हमने फिक्स किया है तो मूवेबल लिंक कितने रह जाएंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने थे, इतने, अब मूवेबल लिंक कितने रह जाएंगे, L माइनस वन, क्योंकि एक तो आपने फिक्स कर दिया, बाकी के ही मूव करेंगे, एक तो आप फिक्स कर देंगे, तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ लिंक L थे तो एक आपने फिक्स कर दिया, यानी कि L माइनस वन कितने रह गए, मूवेबल लिंक इतने रह गए। अब जब आप इसको अटैच नहीं करते, जब ये लिंक अटैच नहीं होता दूसरे लिंक से, तो तीन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये हो जाएगी थ्री एल माइनस वन। अगर आप बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इसकी कितनी हो जाएगी, थ्री एल माइनस वन, क्योंकि तीन होती है और एल माइनस वन क्या है, फिक्स लिंक है, तो थ्री एल माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम।